जय हिंद कैडेट्स। 14 राजस्थान बटालियन एनसीसी कोटा मुख्यालय के अंतर्गत कार्यरत यूनिट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कालांश में पढ़ा था कि एनसीसी की अनिवार्यता के पहलू पर 1967 में एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा चर्चा की गई और अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि को 3 वर्ष से कम करके 2 वर्ष कर दिया गया और बाद में फरवरी 1968 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने ही इसे सभी विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक बना देने का निर्णय लिया। यहाँ तक हम एनसीसी के संक्षिप्त इतिहास में पढ़ चुके हैं, आइए आज इससे आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। 1968 के बाद एनसीसी की भूमिका और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए नवंबर 1970 में योजना आयोग के एक सुझाव के अंतर्गत पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर G.S. महाजनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। महाजनी समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के आधार पर एनसीसी के पूर्व उद्देश्यों में संशोधन किया गया, फलतः नए उद्देश्य अस्तित्व में आए। पहले जो भी लक्ष्य एवं उद्देश्य थे उनमें संशोधन का प्रयास किया गया। सुझाव था योजना आयोग का और समिति थी महाजनी समिति डॉक्टर G.S. महाजनी की अध्यक्षता में, जो कि पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इस समिति को मुख्य रूप से 2 विषयों पर विचार करना था। पहला, एनसीसी की स्थापना के समय से विशेषतः उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में उसका कामकाज देखना, और दूसरा विषय था एनसीसी के लक्ष्यों और उद्देश्यों, संगठन और कार्यक्रमों में बदलाव और परिणामी वित्तीय प्रशासनिक प्रबंधों के लिए सुझाव देना। तो महाजनी समिति द्वारा जो प्रस्तावित सिफारिशें थीं उनके आधार पर एनसीसी के पूर्व उद्देश्यों में संशोधन किया गया और नए उद्देश्य अस्तित्व में आ गए। हम इन नए उद्देश्यों को अंतिम रूप में ही जानेंगे क्योंकि अभी संशोधन चल रहा है और ये हमारे सामान्य ज्ञान का विषय हो सकता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि उस समय कौन से उद्देश्य अस्तित्व में आए। तो आगे फिर क्या होता है 1970 के बाद, 1986 में भारत सरकार पुनः एक समिति गठित करती है जिसका नाम होता है थपन समिति, और थपन समिति को आदेश दिया जाता है कि वह लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में एनसीसी के कामकाज का पुनर्मूल्यांकन करे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेवानिवृत्त M.L. थपन PVC इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और यह समिति जून 1988 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करती है। समिति के सुझावों के अनुरूप सरकार 1992 में एनसीसी के लक्ष्यों को संशोधित कर देती है, संशोधित रूप में अनुमोदित भी कर देती है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए कि थपन समिति कब गठित हुई थी, 1986 में, और इस थपन समिति के अध्यक्ष कौन थे,
आपका उत्तर होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड श्री एम एल थपन पीवीसी। आगे कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं कि मार्च 2001 में, आप इसे 3 मार्च ना समझें, कि मार्च 2001 में रक्षा मंत्रालय एनसीसी के लक्ष्य पुनः संशोधित करता है और रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए एनसीसी के जो लक्ष्य हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। क्या क्या हैं? कि देश के युवाओं के चरित्र, भाईचारे, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण, साहसिक अभियानों में रुचि, खेल भावना और निस्वार्थ सेवा भाव को विकसित करना। दूसरा, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं के एक मानव संसाधन का निर्माण करना जो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके और हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहे। अर्थात ऐसा समूह बनाना जो संगठित हो, प्रशिक्षित हो और साथ ही प्रेरित भी हो, मोटिवेटेड हो, और जो भारत देश के लिए एक रिसोर्स का, एक संसाधन का कार्य करे और साथ ही वह नेतृत्व के क्षेत्र में और देश सेवा के क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहे। तीसरा था, सशस्त्र बलों में अपना कैरियर शुरू करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से वातावरण तैयार करना कि आवश्यकता पड़ने पर ये युवा जो मानव संसाधन समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनके मध्य में भाईचारा है, जो अनुशासित हैं, जो चारित्रिक रूप से दृढ़ हैं, जिनमें नेतृत्व की क्षमता है, जिनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता का है और जो साहसिक अभियानों में रुचि रखते हैं, साथ ही जिनमें खेल भावना का विकास हो चुका है और जो निस्वार्थ सेवा भाव से परिपूरित हैं, ऐसे युवा समय आने पर सशस्त्र बलों में अपना भविष्य निर्माण कर सकें, सशस्त्र बलों में शामिल होकर पुनः देश की सेवा कर सकें, ऐसा माहौल तैयार करवाने में या तैयार करने में मदद करना। अब एनसीसी के 1992 तक के लक्ष्य आपने देख लिए और उसके बाद मार्च 2001 में भी रक्षा मंत्रालय द्वारा उनमें संशोधन हो गया, लेकिन इसके बाद अभी हाल में जो एनसीसी के वर्तमान लक्ष्य हैं वे स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे गए हैं। इसमें तीसरा जो लक्ष्य था उसे हाशिए पर रख दिया गया और मुख्य रूप से 2 लक्ष्य स्वीकार किए गए कि देश के युवाओं के चरित्र, भाईचारे, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण, साहसिक अभियानों में रुचि, खेल भावना और निस्वार्थ सेवा भाव को विकसित करना, साथ ही संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं के एक मानव संसाधन का निर्माण करना जो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके और हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहें। तो ये 2 लक्ष्य आपको कंठस्थ होने चाहिए ताकि परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आए, मौखिक परीक्षा में आपसे कोई पूछे अथवा कोई जिज्ञासु व्यक्ति राह चलते ही या महाविद्यालय में प्रवेश करते समय या आपसे मुलाकात होते समय पूछ ले कि एनसीसी के वर्तमान लक्ष्य क्या हैं, तो आप उसे बता पाएं। प्रत्येक एनसीसी कैडेट को ये लक्ष्य याद होने चाहिए, इनका ज्ञान उसे होना चाहिए, साथ ही इसमें जो बातें वर्णित हैं वो उसके व्यक्तित्व में भी समाहित होनी चाहिए। इसी क्रम में हम एक बहुत ही साधारण और आधारभूत बात की चर्चा करते हैं कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। एनसीसी का आदर्श वाक्य आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और संभवतः प्रत्येक कैडेट को ये कंठस्थ है, एकता और अनुशासन। ये एनसीसी की नींव है, एनसीसी कैडेट्स के बीच में एकता अनिवार्य है, अनुशासन अनिवार्य है। तो एकता और अनुशासन ये एनसीसी का आदर्श वाक्य है, मोटो है। अंग्रेजी में भी आपको याद होना चाहिए
यूनिटी एंड डिसिप्लिन। आप वर्तनी का स्पेलिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें अंग्रेजी और हिंदी में। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए हिंदी में, अंग्रेजी में स्पेलिंग शुद्ध होनी चाहिए। ये एनसीसी का आदर्श वाक्य हो गया, और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये आदर्श वाक्य एनसीसी के लोगो पर भी अंकित है। एनसीसी का लोगो आपको मालूम है, आपके स्क्रीन पर आपके सम्मुख भी है। इस लोगो में आपके तीन रंग का एक ध्वज दिखाई दे रहा है, जिसमें पुष्प के आकार के जो दल हैं वो दिखाई दे रहे हैं, संख्या में 17 हैं। बीच में एनसीसी और हिंदी में रा कै को राष्ट्रीय कैडेट कोर लिखा हुआ है, और नीचे ये पुष्प के आकार के ये संख्या में 17 हैं। तीन रंग हैं इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, आगे के कालांश में हम इसकी चर्चा अवश्य करेंगे। और एनसीसी का मोटो या आदर्श वाक्य यहाँ भी अंकित है, एकता और अनुशासन। तो आपको ध्वज से, उसके स्वरूप से और उसके मोटो से भी आपको परिचित होना आवश्यक है। आप परिचित हो गए होंगे, आप पहले से परिचित भी हैं। और अब बारी है गृह कार्य की। हमने जो पढ़ा है उसमें से हमें थोड़ा बहुत गृह कार्य के रूप में जरूर करना चाहिए, ताकि वह स्थायी हो जाए। आपका गृह कार्य है कि 1986 में एनसीसी के कामकाज का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। ये गृह कार्य आप अपनी नोटबुक में अंकित करें, और इसका उत्तर आपको आता ही है तो वह भी अंकित करें, ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए। आज के कालांश में बस इतना ही। सभी कैडेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।